अभिनंदन करें जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मोदी साथ बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले थले, मोदी साथ बल्ले बल्ले, डॉक्टर जितेंद्र साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र साहब जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह डॉक्टर सीधा ही उड़ जाना फिर रखेंगे ना पिक्चर के बाद भाई पिक्चर जो निकलेश कर ला पीछे थोड़ा यार तुम्ही यार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये इसको ये हम लोग बाद में कर सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह चेयरमैन साहब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम के हमारे अतिथि मुख्य अतिथि बनकर हमारे बीच में पहुंचे हैं शेखावत साहब मैं निवेदन जिला के प्रधान जूनियर मिनिस्टर शेखावत जी को पगड़ी पहनाते हुए यार अब हमारे प्रदेश के प्रधान राणा साहब को पगड़ी पहनाते हुए हमारे जिला के प्रधान गोपाल भैया अब हमारे कमिश्नर हमारे सुनील सेठी साहब को राजीव जी पगड़ी पहनाएंगे एमएलए राजीव भारत माता जमीन नामांकन भर के वो सीधा यहाँ आ रहे हैं हम उनको भी स्वागत करते हैं धन्यवाद करते हैं मैं दर्शन जी से आज बड़ी खुशी की बात है कि जिसका हमें इंतजार जितेंद्र जी तो भगवान का आशीर्वाद है आप सब जनता का आशीर्वाद है आज इस क्षेत्र उधमपुर डोडा से जो आज नामांकन भरा है तो ये 4 लाख के पार से जीत हमारी पक्की है ये जनसभा बता रहा है ये मातृ शक्ति बता रही है ये हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी बता रहे हैं अभी मैं उनकी कुर्बानी के 20 साल के दमन जी भी है दमन जी भी कुर्बान और साल भेंट करना चाहते हैं मैं इनसे भी प्रार्थना करूंगा मनियाटी मोर्चा के जो हमारे दमन जी हैं हमारे ये खत्म आओ बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब वरिष्ठ साथी केंद्रीय मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत साहब जेड़े राजस्थान दे जोधपुर पार्लीमेंट सीट उपर पार्लीमेंट दे इलेक्शन लड़ा रहे हैं लेकिन सारे जेड़ा निवेदन स्वीकार करिए सारे चाहे श्रीमान गजेंद्र सिंह जी का जोरदार तालियां कने स्वागत किया जाए जोरदार तालियां कने ए जेड़ा अज जेड़ा अस ग्राएं ग्राएं जल जीवन मिशन पीने का साफ पानी सारा
सौ पीने वाला पानी सानू ग्रां ग्रां च इया पला दे अस इनका शुक्रिया अदा करने धन्यवाद साथियों अज साढ़े आस्ते बड़ी खुशी की गल है अज खुशी की गल है कि एक मेला एक जन समंदर एक जन सैलाब कठुए की धरती पर अज परतिए शान कन्ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह हुंदा नामिनेशन पेपर भरने च तुसें सारे योगदान किया अस थोड़ा सारे दा शुक्रिया अदा करने आ 2014 जदों पहली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें इलेक्शन लड़िया मैं उदों युवा मोर्चा दा प्रधान हा इसे ग्राउंड च मेले लगे हे फिर 2019 परतिए इसे ग्राउंड च मेला लगा ते हुण आई आ 2000 ते मेले फिर लगी जाण और यकारे फिर लगे जाण अब की बार फिर एक बार साथियों जेड़े कम मोदी साहब ने किते आज ग्राएं ग्राएं शहरें शहरें दी डेवलपमेंट बिजली पानी स्कूल सड़क हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज और फिर जेड़े डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जिला भी अस दिखते पार्लीमेंट च मोदी साहब बोले थे कन्ने कौन खड़ोता ना कौन खड़ोते थे अंदर जिले अस तुसे उठे दिखने आ डॉक्टर साहब सारा अपना सीना छपने च पाल करिया और कई बार अस दिखिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें एक बार जेड़े कांग्रेस दी होर बड़ी मैडम होर ना के लेना जड़ी उंदियां पहलियां प्रधान हियां एक बार पार्लीमेंट इस बोला दिया हियां कोई झूठ सूट मारी हियां थोड़ा बता डॉक्टर साहब खड़ोइए जिले डॉक्टर साहब ने जवाब दिता ते कैमरे लग रहे हैं लोकसभा टीवी दे अस दिखा दे झोला चुकिए ते आपे पार्लीमेंट च बाहर नठी ऐसा जतिंदर सिंह साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर की गल पार्लीमेंटी कची पचिए की थी है आज चला कठुआ हुआ नगरी है जसरोटा चला लखनपुर कीड़िया गंडियाल चला बनी बलावर बसोली ईरानगर मडीन या फिर चला पाटर दक्षण मड़वा किश्तवाड़ इंदरवाल टोडा भद्रवा रामबन बरिहाल उधमपुर चनैनी टुटू बसंतगढ़ या फिर रामनगर मचालता आज सारी दुनिया दिखो आज सारी दुनिया आज दिखो ग्राई ग्राई डेवलपमेंट दिखो एक्सप्रेस हाईवे दिखो आज कितनी मेहनत सारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने की ग्रेनेड बम पिस्तौला आज दिखो अमन शांति खुशहाली डेवलपमेंट दिखो इलाका ठाकर बलदेव सिंह जी पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब ऋषि कुमार कौशल जी दया कृष्ण कोतवाल साहब का इलाका है इस जम्मू का इलाके च लेकिन आज कश्मीर च भी फुल खिला था जबरदस्त तरीके कने कश्मीर च भी कमल का फुल खिला था साथियों मैं थोड़े अगे निवेदन करना आज तो 27 दिनें बाद वोट पौने थे 19 अप्रैल सवेरे 10 बजे तक सारी दुनिया वोट पाइए फिर घर जाना फिर नाश्ता अल्पार करना और मोदी सरकार की त्रिवार प्रचंड बहुमत कन्ने जताइए फिर हिंदुस्तान दा सरताज बनाना ये तुसे बनाना साथिये बनाना थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया साइड कर लो यार थोड़े जो अभी बोल रहे थे
कि हम 4 लाख के पार जाएंगे। 4 लाख के पार करने के लिए जितने जोश की जरूरत होती है उतना जोश मुझे दिख नहीं रहा था भैया। जब हम भारत माता की जय बोले और भारतीय जनता पार्टी के अगर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हो तो तंबू 3 इंच ऊंचा हो जाना चाहिए। पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। निश्चित रूप से ये 10 साल का कालखंड अब हमें एक तुलना करने का अवसर प्रदान कर। 10 साल माननीय मोदी जी को आप सबके आशीर्वाद से देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने वाले देश के करोड़ों मतदाताओं के आशीर्वाद के बदले 10 साल तक देश की सेवा करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। लेकिन उससे पहले 10 साल यूपीए को भी देश की जनता ने देश को बदलने देश को की तकदीर और तस्वीर बदलने का मौका दिया। मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, तुलना करना चाहता हूं। वो जो 10 साल थे उन 10 साल के समाचार पत्रों को आपको याद करना चाहिए जब हम मतदान के लिए जाने वाले हैं। और वो 10 साल थे जिनमें अखबार में 2 समाचार पढ़ते थे, टीवी में भी 2 ही तरह के समाचार आते थे। या तो समाचार होता था कि देश में घोटाला हुआ है, जमीन में कोयले से लेकर के और आकाश में तरंगों को बेचने तक लाखों करोड़ रुपए का घोटाला इस देश में हुआ था और नित्य प्रतिदिन घोटालों के समाचार समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स की न्यूज की सुर्खियां बना करते। देश की जनता जब एक घोटाले को भूलती थी उससे पहले दूसरा घोटाला उनके सामने खेत को खाने लगे। और इसके अलावा अगर कोई दूसरे समाचार देश में समाचार पत्रों में गाये बगाये हर दूसरे तीसरे महीने सुर्खी बनते थे वो देश में होने वाली आतंकवादी घटनाएं होती। कभी जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हमला होता था, कभी अहमदाबाद में जाकर के स्वामीनारायण मंदिर पर हमला होता था, कभी जयपुर के बालाजी के हनुमान जी के मंदिर में हमला होता था। देश के विभिन्न ऐसे स्थानों पर जो धार्मिक आस्था के केंद्र हमें मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने के लिए वहां निरंतर किसी न किसी तरह की आतंकवादी घटना देश के अलग अलग कोनों में होती थी। और उसके अलावा भी देश तो जैसे एक कमजोर देश के रूप में आतंकवादियों के लिए एक सैरगाह बन गया था। ये कश्मीर तो है दुनिया के लिए सैरगाह, मुझे लगता है कि कश्मीर की धरती आतंकवादियों के लिए सैरगाह बन गई। भारत हर मोर्चे पर विफल हो गया, आर्थिक हालात इतने खराब थे, समय हमारी सेना निरुत्साहित क्योंकि उनको जिस तरह की अनुमति की आवश्यकता थी ऐसी अनुमति जो स्वाधीनता नहीं किसी भी निर्णय को करने के लिए उन्हें दिल्ली की तरफ देखना पड़ता। देश कूटनीतिक मोर्चे पर विफल था, भारत का वजूद कहीं अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर दिखाई नहीं देता था। आपने देखा होगा ये जितने युवा साथी खड़े हैं मोदी जी की सरकार आने के पहले के 10 साल के चाहे G20 की मीटिंग का फोटो उठा करके देखना, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग का फोटो उठा करके देखना, या G7 की मीटिंग का फोटो उठा करके देखना, या किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म का फोटो। आर्थिक दृष्टि से समय, आर्थिक दृष्टि से कूटनीतिक दृष्टि से सामरिक दृष्टि से तो हम कमजोर हुए ही थे, सामाजिक ताना बाना भी यहां देश का बिखर गया। देश में क्षेत्रवाद इस चरम पर था कि देश बिखराव के दौर पर जाकर के खड़ा हो गया था। और तब मैं अभिनंदन करता हूं आप सब लोगों का कि आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए घोर परिश्रम किया, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर आस्था और विश्वास व्यक्त किया। ये 10 साल जो बदलाव के 10 साल थे, आपके एक वोट की ताकत। सबसे पहले आपने अनेक बार मतदान किया होगा, कभी जाति के नाम पर मतदान किया होगा, कभी क्षेत्र के नाम पर किया होगा, कभी अपने सगे संबंधी के नाम पर किया होगा, कभी किसी को जिताने के लिए किया होगा, और कभी कभी हमारे यहाँ राजस्थान में होता है। डॉक्टर साहब आपके होता है कि नहीं, हमारे यहाँ राजस्थान में कभी कभी किसी को हराने के लिए मतदान होता है। आपने अनेक बार मतदान किया होगा लेकिन पहली बार देश के लोगों ने देश के लिए मतदान 2014 में किया। और जब 2014 में हमने देश के लिए मतदान किया मित्रों, उसका प्रारंभ उसका फर्क देखिए।